हाय दोस्तों दोस्तों, फोटोग्राफी में जो बेसिक कॉम्पोजिशन के जो रूल्स होते हैं आज वो हम सीखने वाले हैं, तो चलिए। दोस्तों, कॉम्पोजिशन के बेसिक रूल समझने से पहले हमारा मस्तिष्क और आंखें किस तरह से काम करती हैं वह अच्छी तरह से समझना बेहद ज़रूरी है। जब हमारे सामने वाइट पेपर या कैनवास रखा जाता है तो हमारी नज़रें उस कैनवास के चारों तरफ घूमती हैं, किसी एक जगह पे फोकस नहीं हो पाती हैं। मगर जब हम उसी पेपर पर एक काला धब्बा या बिंदी लगा देते हैं तो तुरंत हमारी नज़र उस बिंदु पर फोकस या केंद्रित हो जाती है। यह सबसे खास बात हमें दिखाई देती है। हमारा ब्रेन मस्तिष्क उसे क्या अच्छा और क्या बुरा लगता है वो अच्छी तरह से समझता है। किसी चीज को देखने पर हमारे मन में जो भावनाएं या फीलिंग्स तैयार होती है, जैसे डर, आनंद, अच्छा बुरा, खुशी, खूबसूरती और रंग। दोस्तों, हमारी आंखें ये देखकर तुरंत पहचान जाती है कि किस तरह से फीलिंग्स हमारे मन में आ रही है। दोस्तों, सबसे पहले जब हम कोई फोटोग्राफ देखते हैं तो हमारी नज़र उन आंखों की तरफ जाती है और उसके बाद वो आंखें जिस तरफ देख रही हैं वहाँ पर धीरे से हमारी नज़र चली जाती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस चित्र में सबसे पहली नज़र हमारी आंखों की तरफ जाती है, फिर नाक के ऊपर। दोस्तों, आगे जब हम दो चित्र देखेंगे तो आप बताइए सबसे पहले जो हमारी नज़र है वो कहाँ पर जाती है। दोस्तों, फोटोग्राफी में हम अपना जो सब्जेक्ट हैं वो किस तरह से सजाते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम कोई सब्जेक्ट किसी के सामने रखते हैं तो सबसे पहली दो बातें हमारे मन में आती हैं। सबसे पहली ये बात है कि जो हम अपना मैसेज उस फोटो से देना चाहते हैं तो वो कितने सरलता से हम दे सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी तरफ ध्यान कैसे आकर्षित हो। दोस्तों, इस फोटो में हमें दो सब्जेक्ट दिखाई देते हैं। पीछे जो एक सब्जेक्ट है वो गेटवे ऑफ इंडिया है, और आगे की तरफ जो एक सब्जेक्ट है, अगर हम उस सब्जेक्ट को इधर उधर उसको कॉम्पिटिशन करें तो क्या हमारा जो मैसेज है उसमें कुछ बदलाव होता है या हमारे कुछ विचारों में कुछ फर्क होता है, तो आप ज़रूर बताइए। दोस्तों, हमारे मोबाइल या कैमरा के व्यू फाइंडर में हमें कुछ इस तरह की ग्रिड दिखाई देती है, जिसमें कि वर्टिकल दो लाइन और हॉरिजॉन्टल दो लाइन हमें दिखाई देती है। दोस्तों, ये चारों लाइन जिस जगह पे एक दूसरे को क्रॉस होती है और वहाँ जो चार पॉइंट्स नज़र आते हैं उसे ही गोल्डन पॉइंट कहा जाता है। दोस्तों, इन गोल्डन पॉइंट के ऊपर जब हम कोई सब्जेक्ट रखते हैं तो हमारी जो नज़र है वो बड़े आसानी से हमारे सब्जेक्ट के ऊपर चली जाती है। तो इसे ही दोस्तों सरल भाषा में हम गोल्डन पॉइंट या रूल ऑफ थर्ड हम इसे कहते हैं। दोस्तों, ये रूल हर समय अपनाना कोई ज़रूरी नहीं है। जिस दिशा की ओर व्यक्ति देख रहा है या कोई एक्शन कर रहा है उस दिशा की तरफ छोड़े जाने वाली जो ब्लैंक प्लेस है या जो खाली जगह है उसे नोज रूम या लीड रूम कहते हैं। दोस्तों, लीड रूम या नोज रूम दिखाने से वह व्यक्ति किस दिशा की ओर देख रहा है या किस दिशा की ओर एक्शन कर रहा है उसका हमें पता चलता है, और दोस्तों नोज रूम या लीड रूम दिखाने से वो एक्शन किस दिशा की ओर हो रही है उसका भी हमें पता चलता है, और जिसकी वजह से हमारे मन में एक तरह की कंफर्टनेस पैदा होती है। जब हम कोई फोटो कंपोज करते हैं या कोई फ्रेम में किसी व्यक्ति को जब हम दिखाते हैं तो दोस्तों उस व्यक्ति का जो सर है उस सर से जो ऊपर की जो फ्रेम की स्पेस है वहाँ पे जो जगह छोड़ी जाती है उसे हेडरूम कहते हैं।
हेडरूम में ज़्यादा अगर हम स्पेस नहीं छोड़ते हैं तो भी वो फ्रेम हमें अच्छी नहीं दिखाई देती, और हम अगर उसमें ज़्यादा स्पेस छोड़ते हैं यानी उसमें अंतर ज़्यादा होता है तो भी हमें वो ज़्यादा अच्छी इमेज नहीं दिखती है। सही हेडरूम होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन तरह के हेडरूम होते हैं, तो कम हेडरूम रखना सबसे बेहतर माना जाता है। दोस्तों, फोटोग्राफी में पांच तरह के कॉम्पोजिशन या पांच तरह के शॉट होते हैं, जिसमें एक होता है एक्सट्रीमली लॉन्ग शॉट यानी सबसे दूर से लिया हुआ कोई शॉट या फोटो, उसे एक्सट्रीमली लॉन्ग शॉट कहते हैं। फिर कहते हैं लॉन्ग शॉट, लॉन्ग शॉट यानी जिसमें पूरी इमेज हमें दिखाई देती है, तो आप देख सकते हैं इसे लॉन्ग शॉट कहते हैं। उसके बाद आता है मिडल शॉट, मिडल शॉट आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हमारी जो आधी इमेज है वो इसमें दिखाई देती है। उसके बाद आता है क्लोजअप, क्लोजअप आप देख सकते हैं इस दो इमेज में मैंने दिखाया है। उसके बाद आता है एक्सट्रीमली क्लोजअप। तो इस तरह से पांच शॉट हमेशा फोटोग्राफी में होते हैं। दोस्तों, किसी मोशन पिक्चर या फोटोग्राफी दिखाने के लिए वो जो मोशन है यानी जो मूवमेंट है वो किस दिशा की ओर जा रही है या किस दिशा की ओर वो हो रही है वो दिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमेशा इस तरह के शॉट में जो हम मूवमेंट दिखा रहे हैं तो जिस तरफ वो मूवमेंट हो रही है उस तरफ खाली स्पेस या जिसे हम लीड रूम कहते हैं वो दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम वो नहीं दिखाते हैं तो हमारे मन में एक अनकम्फर्टनेस आती है, और अगर हम उसे सब्जेक्ट को बीच में रखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद वो जो मूवमेंट है वो कहीं पे रुक गई है। तो दोस्तों, इसलिए जब हम कोई मूवमेंट दिखाते हैं तो उसको सही स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।